कटक वासी भुआ बुलाउं कि सांसद सुभाष सिंह दीर्घ एक बर्षर शासन पर कहीं मन पड़ा कटक कथा नुआ कटक स्वप्न देखा कहींवासी ललिपप दे सांसद वर्तमान विरोधी एपरी ढंग से प्रश्न उठाई सेपटे बीजेपी अमल में कटक आरंभ हो विकासमूलक कार्य चूर्ण लेपी बाहबा ने राज्य सरकार उठी प्रश्न सहर से अमृत योजन शिशु पार्क स्वेरेज और ड्रेनेज व्यवस्थापी जायका प्रकल्प नेताजी सुभाष बोस सेतु मार्केट कम्प्लेक्स भली प्रकल्प पूर्वतन मंत्री समीर दे अमल में होता तेरे सहर पर कि नुआ प्रकल्प नक राज्य सरकार केवल भुआ बुलाऊं अभोग कर विरोधी कटक नुआ रूप से आसूच खाली नवीकरण नुहे कटक गोटा पुनरुद्धार नुहे तालदंडा केनाल ठू आरंभ कर रिंग रोड रो काम देखिए बिना फाउंडेसन कई जड़े नड़िया पिटनी किंतु जुडिशियाल एकेडमी पाखु मौसुमा मंदिर पाखु विजु पट्टनायक पार्क पर्यंत छटिकिया लेन आरंभ है दु वर्ष आगु क्या कहीं प्रचार दरकार ना कटक नुआ रूप से गढ़ी तोलवाई माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक संकल्पबद्ध विगत 2009 मसीह 2019 मसीह पर्यंत कटक जी विधायक थे एवं विजु जनता दल सरकार भी अच्छी सी कहना जे कौ प्रकल्प से निजे तैयारी कर सी गोटे लिस्ट दिंतु जे सी कौन कर आज जो जायका प्रोजेक्ट देखुं 900 कोटी टंकर जायका प्रोजेक्ट को मुझे आपको आज 4000 कोटी पहुँचे सरुना आज जो ओवरब्रिज होती नेताजी ब्रिज जो तैयारी ये ब्रिज मध्य अटल बिहारी वाजपेयी पैसा रे आरंभ मैंने प्रस्ताव होता है से पैसा आसाला किंतु आज सी कौन आम कर कटक भारतीय जनता पार्टी समय अंपटे दीर्घ 3 वर्ष महानगर निगम रे काउंसिल नथिबा कारणरु अनेक मौलिक समस्या रे घाटी होउछंती सहरवासी परिमल विपर्यस्त डेंगू रास्ताघाट जलबंदी भली समस्या घर एवं रही कटकवासी जहार सुविधा कटक महानगर निगम करूना बोली अभियोग करिछि नगर कांग्रेस जहाँ विरोध कर आसंता 6 तारीख दिन कटक महानगर निगम कार्यालय घेर को कटक नगर कांग्रेस अंटा भिड़ी 6 तारीख दिन आम राजरास्ता को जदि प्रशासन हुशियारी न हुआ सरकार हुशियारी नुहति कमिशनर को अधिकारी मैंने पचारू ना दुर्नीतिर पहाड़ उपरे वर्तमान समस्त बसी कारण निर्वाचित प्रतिनिधि नहांती वार्डर काम होना अंकुश लगवा को कही ना तेणु मन इच्छा ये मन इच्छा हरिलुट चलती मन इच्छा काम हो लोक मैंने दौड़ी दौड़ी नयांत हो कटक सहर पर राज्य सरकार को किसी नुआ प्रकल्प नहीं बोली खोद शासक दल सांसद प्रश्न उठाई बेले तीव्र है कटक राजनीति कटक्रु कैमरा पर्सन गौतम महांती इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज।